तो गाइस चलिए लेट नहीं करते हुए इसको खोलते हैं और इससे इसको खोलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको पहले भी इसको उतारते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं। जब मैं आगे जब मैं वीडियो बनाती हूँ आप इसको नीचे उतारिए। तो काफ़ी सुंदर है गाइज, ये टू बर्नर का है और है पीजन कंपनी का, और पीजन का बहुत अच्छा होता है। हम कोलकाता में भी इसी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। तो अब स्टील का चूल्हा का जमाना है और ये इसका जमाना आ गया है ना। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है गाइज। चलिए इसको पहले बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हमने इसको निकाल लिया है और ये है ऑटोमेटिक नहीं है, ये लाइटर या फिर मैच बॉक्स से ही जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा। तो हमने ऑटोमेटिक इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमारे पास था तो वो ख़राब हो चुका है इस चलते। फिर हमने इसी को ही मंगवाया। तो ये बहुत ही अच्छा छोटू सा है क्योंकि हमेशा कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा हर जगह इधर से उधर जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने छोटा सा मंगवाया है। और इसमें क्या मिला है, इसमें ये तो मिलता ही मिलता है, स्टैंड है इसका, और इसमें नीचे में इसका जो होता नहीं है क्या उसको बोलते हैं, ये इसका ग्रिप है, मतलब वो ये स्टैंड समझ लीजिए, स्टैंड है इसका। और इसका ये है, फिर ये बर्नर है। बिल्ड क्वालिटी गाइस, काफी प्रीमियम लुक में आता है। और आप इसको निकाल नहीं सकते, बस इसको ऊपर से ये वॉश कर सकते हैं, ये निकलेगा नहीं, बल्कि और सब से निकल जाता है, ये नहीं निकलेगा। तो काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, छोटा सा क्यूट सा बहुत अच्छा है। तो आज इसमें कुछ मीठा बनाया जाएगा, तो हलवा या फिर खीर कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैस आता है, तो इसको उसका ओपनिंग चूल्हा पूजन होता है, उसमें सबसे पहले कुछ मीठा ही बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ मीठा बनाएंगे। और ये है, इसमें वारंटी कार्ड मिला है, 2 ईयर वारंटी है इसमें। तो इसमें देखिए आपको हर ऐसे भी चूल्हा मिलेगा, जैसे कि ये 2 बर्नर का है, ये 3 बर्नर का है, ये 4 बर्नर का है, तो आपको इसमें 3 बर्नर का मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड, इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाते हैं और इसकी टच एंड फिनिशिंग दिखाते हैं आपको। जैसा आप देख सकते हैं पूरा मिरर फिनिशिंग है इसमें, इसके नॉब भी काफ़ी प्रीमियम है, बर्नर भी काफ़ी प्रीमियम लुक का दिया हुआ है। इसमें कुछ वार्निंग वगैरह दिया है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक बार आप खास आपके तरफ हम शो कर दे रहे हैं। और ये टफ एंड ग्लास का बना हुआ है और इसकी ब्रांडिंग मैंने इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देखिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। चलते हैं तो हम लोग इसको अब जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। और अगर गाइस आप भी इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेहिचक आप इसे ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस पड़ी है, ये हमें 1400 रुपये का था, 1470 रुपये का था, 100 रुपये का कैशबैक मिलने के बाद ये हमें 1370 रुपीज़ का मिला है। तो इस प्राइस रेंज में ऐसा प्रोडक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको भी मिलता है फ्लिपकार्ट से कोई भी सेल में, हाँ, तो बिल्कुल लें गाइस। आप सेल से ही ले या फिर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, देखिए इसकी एक्चुअल प्राइस, ऑनलाइन इसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है, 2999 रुपीज़ ये हमने सेल में लिया है, तो सेल के वजह से हमें ये काफ़ी सस्ता पड़ा है, बाकी इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग आ जाती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के कैंटीन से भी ले सकते थे, पर फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही मंगवाया क्योंकि हमें कुछ ऑफर मिला था। फ्रेंड फर्स्ट टाइम हम सबसे पहले इस पे खीर बना रहे हैं, इस गैस पे जो हमने मंगाया है चूल्हा, और साथ में चाय भी बन रहा है। इसकी आप फ्लेम की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी ब्लूइश और आपको येलो नज़र आ रहा होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें पूरा प्योर ब्लू है और इसमें आपको ब्लू के साथ हल्का रेडिश आ रहा होगा और काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है फ्रेंड। अगर आप जब भी इस चूल्हे में आप खाना बनाओगे तो दीक्षु का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो दीक्षु बताइए सामने जाके कि आपको इस चूल्हे के साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है। इसमें देखिए वो बड़ा था तो यहाँ तक जगह कांटे थे, छोटा है आराम से, छोटा जगह में आराम से आ जाएगा, आराम से रोटी रोटी बेच सकते हैं, तो बहुत काफ़ी अच्छा, मतलब एक छोटे, हाँ इसकी तेज देखिए मतलब कितनी हाई इस फ्लेम में है ये। और चाय का देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही बबूला होने लगा है। सबसे पहले और एक दीक्षु खीर बना रही है, फर्स्ट टाइम इस चूल्हे पे शुभ आरंभ कर रही है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मुस्कुराते हुए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। बाय, गुड नाइट।
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी कमेंट में पूछना हो, जैसे हमारे बेड के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने पूछा था, तो आप पूछे, साइकिल के रिगार्डिंग पूछा था, वैसे इस रिगार्डिंग में कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछे, हम लोग सबको रिप्लाई। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू।